रोटरी क्लब ऑफ अमरावती मिड टाउन की ओर से एक पत्रकार परिषद लेते हुए यह जानकारी दी गई कि दीपावली पहाड़ बड़े धूमधाम से रोटरी क्लब द्वारा मनाया जाएगा। बिना मूल्य का ये बहारदार कार्यक्रम ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित किया जाएगा। दिनांक 22 अक्टूबर यानी धन त्रयोदशी के दिन सुबह 5:30 बजे इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिस पर भारतीय संस्कृति पर संबंधित कार्यक्रम बताया जाएगा। अवसर है और दीपावली के अवसर पर किस तरीके से हम अपनी संस्कृति को संस्कृति का जतन करते हैं, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कैसे अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करके उसी से अपने आप को और ज़्यादा जोड़ के रख सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग दीपावली पहाड़ इस नाम का ऐसा आज प्रोग्राम ला रहे हैं। 22 तारीख को शनिवार की सुबह इस प्रोग्राम का समय 5:30 बजे सुबह दिया गया है। लगभग 1.5 से 2 घंटे का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में क्या क्या प्रस्तुतिकरण होने वाला है, इसके लिए मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ आपसे मुखातिब होंगे आनंद जी दशपति साहब, जो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ इस प्रोग्राम के बारे में आपके सामने अपने उद्गार रखें। धन्यवाद भाई जी, सभी सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दीपावली जो हुई, प्रभु रामचंद्र जी 12 वर्ष का वनवास और 2 वर्ष का अज्ञातवास खत्म होने के बाद जब अयोध्या पधारे, उस समय से दिवाली ये त्यौहार चल रहा है। तो यही थीम मद्देनजर रखते हुए हमने इस साल रोटरी क्लब अमरावती मिड टाउन ने रामायण यह थीम इस दीपावली पहाड़ के जरिए हमने रखी है। इसमें रामायण में के बहुत सारे भाग इसमें हम सबको वहाँ देखने को मिलेंगे। रामायण पर आधारित सभी नृत्य, रामायण पर आधारित पिक्चर में के जो गीत है वो भी इसमें प्रस्तुत की जाएंगे। इसमें ओडिसी नृत्य है, रामाष्टक है, राम संकल्पना है, कृष्णाष्टक है, आदि बहुत सारे जो पौराणिक काल से चले आ रहे हैं सभी कार्यक्रम हम नृत्य के माध्यम से सभी समाज के सम्मुख निःशुल्क तरीके से यह रखने जा रहे हैं। और आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस कार्यक्रम का भी आप लाभ ले, आपके परिवार को भी इसमें सम्मिलित कीजिए, मित्र मंडल को भी आप आमंत्रित कीजिए और बहुत शानदार यह कार्यक्रम रहेगा। करीब करीब 2 से 2.25 घंटे का भी मैं बना ही रहा हूँ तो ये प्रोग्राम बनने जा रहा है। और ज्ञानेश्वर सरस्वती भवन ये जो अपना सुंदर हॉल है, अमरावती का भूषण है,